हरियाणा सरकार की ओर से किसान कल्याण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का असर लगातार देखा जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी की ओर रुझान करें और अपनी आय बढ़ाएं। इस क्रम में हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों का चयन किया है जो अन्य किसानों को भी जागरूक करने का काम करेंगे। इस क्रम में आज हम आपको सोनीपत के प्रगतिशील किसानों से मिलाएंगे जिन्होंने आधुनिक तरीके से खेती कर अपनी आय में जबरदस्त इजाफा किया है। पेश आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी की तरफ लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इस क्रम में सरकार को सफलता भी हासिल हो रही है। दरअसल किसानों का रुझान तेजी से सब्जी और फलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं बागवानी विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ाने में जुटे हैं। अब सरकार ने उन किसानों को प्रदेश व देश भर में उदाहरण के रूप में पेश करने का निर्णय लिया है जो इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इस सूची में सोनीपत के मनोली गांव का नाम भी सबसे ऊपर आता है, जहां पर अनेकों किसान करीब कई वर्षों से प्रगतिशील खेती कर रहे हैं। यहां के 5 किसानों को सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया है। ये किसान अब अन्य किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के साथ ही उदाहरण पेश करेंगे और बागवानी की खेती के फायदे किसानों को बताएंगे, ताकि दूसरे किसान भी पारंपरिक खेती को छोड़ फसल विविधीकरण को अपनाएं। हमारे गांव में जो मनोली ग्राम संपदा जो हमने एफपीओ बनाई हुई है, उसके तहत हमने 200 किसानों को उनका मेंबर बनाया। एक्सीलेंसी विलेज में उसे उनको अडॉप्ट किया है और अलग अलग तरह की हम खेती कर रहे हैं। हमने खेती को इंटीग्रेटेड कर दिया, हर तरह से हमने फसलों का विविधीकरण करके बागवानी में जाके प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करके हमने इसको ना बहुत इनकम सोर्स बना दिया और हमारी खेती एक नहीं दुगनी, मतलब दुगनी नहीं चौगुनी इनकम दे रही है। इसी तरह से हमने नई नई वो जो फसलें वो इंट्रोड्यूस करी है, जैसे बटरनेट है, पुंटो वर्डे है, लाल पीली शिमला मिर्च है। इनके रेट आज के टाइम पे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी इनकम दे रहे हैं। मनोली ग्राम संपदा एफपीओ में कई किसान जुड़े हुए हैं, तो वहीं गांव के प्रगतिशील किसान अरुण कुमार का कहना है कि हमने एफपीओ में 200 किसान जोड़े हुए हैं। किसानों ने यहां फसल विविधीकरण को अपनाया है और इसी के चलते किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान अरुण के मुताबिक बागवानी की खेती में अधिक कमाई है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें तकनीक को अपनाकर आधुनिक तरीके से खेती करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस सबके लिए हरियाणा सरकार की भी तारीफ की और कहा कि सरकार प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी कर रही है। किसानों को कैश प्राइस देने की भी सरकार ने योजना बनाई है। मैं यही संदेश देता हूं कि गेहूं धान की खेती छोड़ के आदमी को इंटीग्रेटेड, किसानों को इंटीग्रेटेड पोली हाउस या नेट हाउस या नई नई वेजिटेबल्स मल्चिंग पे ड्रिप पे काम करना चाहिए, जिससे इनकम की इनकम दुगुनी हो जाए। हमारी सरकार तो बहुत अच्छा किसानों के लिए कर रही है। किसानों को इनाम भी घोषित किया इन्होंने, जो अच्छा काम करेगा उसको 5 लाख का इनाम देंगे और जो उससे कम अच्छा करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। किसानों के अंदर उन्होंने कंपटीशन पैदा कर दिया, इसलिए किसान अपने लगे हुए बहुत अच्छे अच्छे अपने फार्म को बना रहे हैं, चाहे ट्रिप पे, स्टैकिंग पे, मल्चिंग पे खेती करके बहुत बढ़िया बढ़िया खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसानों का कहना है कि किसानों को फसलों और सब्जी की खेती करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल्दी आय बढ़ती है। उच्च तकनीक को अपनाकर किसानों को खेती करनी चाहिए। उनका कहना है कि अब किसानों का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार अनेकों योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए चला रही है, जिनको लेकर किसानों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है और यही कारण है कि सरकार की ओर से प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनका पैनल बनाकर अन्य किसानों को भी जागरूक करने का काम सरकार कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रगतिशील बनाया जाए। इसको लेकर सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का रुझान बागवानी की खेती की तरफ बढ़े और किसान पारंपरिक खेती को छोड़ बागवानी की खेती कर अपनी आय में इजाफा करें। जनता टीवी के लिए सोनीपत से लाजपत कुमार की रिपोर्ट।